चलो ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है। एक है एच लिमिटेड की और एक है एस लिमिटेड की। मैं आपको बता रहा हूँ बैलेंस शीट, आपको इसका क्या करके दिखाना है बेटा। आप मुझे इसका कंसोलिडेट बना के दिखाएंगे। शेयर कैपिटल, शेयर्स ऑफ 10 ईच, 5 लाख, 3 लाख, ठीक है। शेयर कैपिटल, शेयर्स ऑफ 10 ईच, 5 लाख, 3 लाख, रिजर्व्स 2 लाख, 1 लाख, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस 1.5 लाख और 50 हज़ार, नॉन करेंट लायबिलिटी 2 लाख, 1 लाख, करेंट लायबिलिटी 30 हज़ार, 20 हज़ार, टोटल बता सकता है कोई? यहाँ पे वो होगा ना कैलकुलेटर, कैलकुलेटर कौन से कहाँ से उठाया था कैलकुलेटर? ये तो टोटल होल्डिंग का, ये एच है बे, एम नहीं है, होल्डिंग का, ठीक है। 10 लाख 80 हज़ार, इसका 5 लाख 70 हज़ार। कोई डाउट है क्या? नहीं, आ जाओ लाइव असेट साइड में, फिक्स असेट्स 7 लाख 80 हज़ार, करंट असेट्स, या इसको ले लेते हैं फिक्स असेट्स को 7 लाख, इसको ले लेते हैं 1 लाख 80 हज़ार, और बाकी इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड 30,000 शेयर्स, इसको मैं 2 लाख, 1 लाख कर रहा हूँ, 8 लाख हो गया, और ये हो जाएगा 2 लाख 80 हज़ार, 7 1 8 9 10, 10 लाख 80 हज़ार, ठीक है क्या? टैली कितने से हो गई? 10 लाख 80 थाउजेंड से। यहाँ फिक्स एसेट्स में 3 लाख और 2 लाख 70 हज़ार मिला के हो गया 5 लाख 70 हज़ार, मिला के कितना हो गया? 5 लाख 70 हज़ार। ये आपको बैलेंस शीट दी हुई है दोनों की, आपको इसका कंसोलिडेशन बनाना है। इन एस लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड 30,000 शेयर्स, 2 लाख 80 हज़ार, 7 1 8 9 10, 10 लाख 80 हज़ार मिला के हो गया, ठीक है। और फिक्स एसेट्स में आया 3 लाख, उसमें आया 2 लाख, 5 लाख 70 हज़ार, दोनों मिला के। एक सेकेंड, अब जिंदगी में फ्रीज होने वाला काम नहीं चलेगा। लिख लिया, 2 मिनट स्क्रीन हटाऊं, 2 मिनट के लिए बस, जल्दी कर। दो मिनट के लिए स्क्रीन हटा रहा हूँ, बंद नहीं होगी ना स्क्रीन, ये लो जी, कहा होगा कल सिखाया था मैंने आपको,
हो गया, टाइम अप करूं? दो लाख और 1 लाख 30,000 और 20,000। वैसे वो रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर आते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट मांग कर नाम ही बोल रहे हो कैपिटल रिजर्व। चलो टाइम अप हो गया। कौन सा? हाँ 1,50,000 टोटल चेक कर लिया करो ना, 5, 2, 7, 8, 50, 10, 50 और 30, 10, 80। चले मैं करूं बेटा, हो गया मैं करूं, जल्दी बोलो। नूपुर क्यों नहीं आई? ऐसे ही नहीं आई। वेरी गुड। बेटा जल्दी करो, चलो हो गया। अब मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे, बताओ। होल्डिंग सब्सिडियरी को कंसोलिडेट करना है, होल्डिंग सब्सिडियरी को क्या करना है, कंसोलिडेट करना है, तो दोनों को क्या करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो हम खरीदते हैं, हम इन्वेस्टमेंट जो करते हैं इंटर कंपनी होल्डिंग्स को डिलीट कर एलिमिनेट करते हैं, मतलब यहाँ का इन्वेस्टमेंट और वहाँ की कैपिटल। इसने जो 2,80,000 में इन्वेस्टमेंट खरीदी है, इसने जो 2,80,000 में क्या खरीदी है, इन्वेस्टमेंट खरीदी है, बताओ 2,80,000 दे के उसने क्या खरीदा होगा? सिर्फ शेयर कैपिटल खरीदा होगा कि रिजर्व पीएनएल सब खरीदा होगा? रिजर्व पीएनएल सब खरीदा होगा। याद रखना, जब भी कोई इंसान इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिखाता है और वो सब्सिडरी को खरीदता है, तो वो सिर्फ शेयर कैपिटल नहीं खरीदता, शेयर कैपिटल के साथ साथ क्या खरीदता है, रिजर्व्स। तो 2,80 में उसको क्या क्या मिला है मुझे बताओ। 3 लाख, 1 लाख और 50,000। कितने की चीज मिली है? 4,50,000 की। और खर्चा कितना किया है उसने? 2,80,000। तो 4,50 - 2,80 कितना होगा? कितना हो जाएगा? 1,70,000। 1,70,000 का प्रॉफिट हुआ या लॉस? 1,70,000 का प्रॉफिट हुआ है कि लॉस?
प्रॉफिट 2.80 की चीज 2.80 पेमेंट करके 4.70 की चीज, मतलब वो जो मिला है आपको, तो 1,70,000 क्या हुआ बेटा, प्रॉफिट। वो प्रॉफिट कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। अगर लॉस होता या कम पे ज्यादा पैसे दिए होते तो हम कहाँ डालते? गुडविल में। कहाँ डालते? गुडविल में। यहाँ पे हम कहाँ डालेंगे? कैपिटल रिजर्व में। तो पहले तो मैं इंटर कंपनी चीजों को एलिमिनेट कर देता हूँ, 2.80 इनको एलिमिनेट कर दिया। बात समझ में आ रही है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहा हूँ, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के अंदर पहली चीज क्या आएगी बेटा? शेयर कैपिटल। मैं अभी पूरा नहीं बना रहा हूँ, आप एग्जाम में पूरा बना के आएंगे। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 5 लाख होल्डिंग का। फिर क्या आएगा बेटा? रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर क्या आएगा बेटा, मुझे बताओ? 2 लाख होल्डिंग का ही आएगा, सिर्फ 2 लाख कर रहा हूँ ना। और आ जाएगा तुम्हारा कैपिटल रिजर्व। और तुम्हारा क्या जाएगा? कैपिटल रिजर्व। कितना कैपिटल रिजर्व आया था? 1,70,000। तो यहाँ आ जाएगा कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा बेटा? 1,70,000 हो मेरे साथ। बाकी नॉन करेंट लाइबिलिटी को जोड़ लो, कितनी हो जाएगी? 2 + 1 3 लाख। करेंट लाइबिलिटी को जोड़ लो, 30 + 20 50,000। कोई बैलेंस शीट का टोटल बता सकता है मुझे कितना आ रहा है? 5,13,70,000 हो मेरे साथ कि नहीं हो, फटाफट बोलो। अच्छा, लेंगे ना? नहीं लिया क्या? 1,50,000। अच्छा, 2 लाख, और सॉरी PNL रह गया ये गलती से, 1,50,000। क्या बात समझ में आ रही है? अब टोटल कितना आ रहा है? कितनी करेंट लाइबिलिटी बेटा? ये नॉन करेंट लाइबिलिटी 2 लाख और 1 लाख है, मिला के ले ली है 3 लाख। करेंट लाइबिलिटी 30 और 20 हजार है, एक सेकंड, 50,000 है। एक बार टोटल चेक कर लिया करो, अगर मैं ये 2 लाख लेता हूँ तो ये 5,70 आएगा क्या? नहीं आएगा ना? क्या बात समझ में आ रही है? तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 50,000। समझ गए? अरे कुछ नहीं, सिर्फ प्लस करके लिखते जाना है। हाँ या ना बोलो। अगली चीज क्या जाएगी? असेट्स। असेट्स में क्या आ जाएगा? 7 लाख और 3 लाख। कितना हो जाएगा? 10 लाख। नॉन करेंट असेट्स कितने के हो जाएंगे? 10 लाख हो मेरे साथ। दूसरी चीज क्या हो जाएगी तुम्हारी? बस 1,02,70। करेंट असेट्स कितने के मिला के हो जाएंगे? 3,70,000। इन्वेस्टमेंट तो एलिमिनेट हो गई है, टोटल कितना आ जाएगा? 13,70,000। कितने लोग ने यही बनाया था? हाथ उठाओ फटाक से। चलो हाँ, क्यों इतनी देर क्यों लगी थी? नालायक। समझ में आ गया सबको? आदर्श आ गया सबको? आया कि हमने क्या किया? हमने इंटर कंपनी होल्डिंग्स को क्या कर दिया? एलिमिनेट। इंटर कंपनी होल्डिंग्स को क्या कर दिया? एलिमिनेट। यहाँ से इन्वेस्टमेंट हटाई और यहाँ से क्या हटाई? कैपिटल। हाँ या ना, फटाफट बोलो। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, करके दिखाना, फिर उसके बाद नया कॉन्सेप्ट करेंगे। चलो आओ, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। वो कैलसी देगी एक मिनट। चलो, दो कंपनियां हैं, होल्डिंग और सब्सिडरी। सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल 5 लाख और 4 लाख शेयर्स ऑफ 10 each। रिजर्व्स में आएगा, रिजर्व्स इन सरप्लस में आएगा, जनरल रिजर्व 3 लाख 2 लाख, PNL का क्रेडिट बैलेंस 1 लाख 1 लाख, नॉन करेंट लाइबिलिटीज 5 लाख 4 लाख, करेंट लाइबिलिटीज 2 लाख 1 लाख। टोटल बताओ कितना है फटाक से? 5 3 8 9, 9 5 14 और 2 16। 16 लाख है, 4 2 6 एक 8, 4 12 और 1 13 लाख है। ओके,
दोनों का एक एक लाख है। नॉन करेंट असेट्स में सात लाख और 5 लाख, यहाँ इन्वेस्टमेंट लिख देता हूँ, 6 लाख, यहाँ लिख देता हूँ करंट असेट्स, एक मिनट रुकना, पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है। 7 × 10 = 16 लाख, ये कितने शेयर्स थे यहाँ पे इसके पास, 4,40,000, 32,000 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। आदर्श क्या हो गया भाई, क्यों 8, 5? अच्छा ऊपर 12 है क्या, 4, 2, 6, 1, 7, 3, 10, 11 और 1, 12, सॉरी, तो ये 12 लाख है ना। तो करंट असेट्स यहाँ कितने आ जाएंगे, 7 लाख। ठीक है, यहाँ पे 32,000 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड है, क्या है, 32,000 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। ये पूरा क्वेश्चन एक साथ दिखाने की कोशिश है मेरी, 2 मिनट, ये लो। थर्टी टू थाउजेंड शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड है यहाँ पे, हाँ देखते हैं कौन सा ही करता है, कंसोलिडेट करके बनाना है दोनों को तुम्हें। हो गया क्वेश्चन नोट करना है, और ये लो ना, वो पूरा आ नहीं पाएगा ना, मिनिमम जूम, ये मिनिमम जूम है ये। अबे तो इसे रोक के रखना पड़ेगा मेरे को, मैं छोड़ूंगा और ऊपर हो जाएगा। नोट कर लो फटाक से, अगर करना है तो जल्दी। पांच गिनती गिनूंगा, 5, 4, 3, 2, 1, मसे गाओ मसे। क्या बोल रही जिया, माँ से तो मैया यशोदा ही शुरू होता था ना हर बार, कहीं भी दुनिया में कहीं भी अंताक्षरी खेली जाए। अबे जल्दी करो बे, हो गया भगवान, यहाँ से हाथ उठा रहा हूँ मैं। कंसोलिडेट करना है,
हाँ भाई लोग बन रहा है कि हिंट दूं? नहीं देता, देखता हूँ कौन गुस्से करता। सिंपल और इजी कॉन्सेप्ट है बहुत, अगर एकदम ऐसा क्वेश्चन आता है तो बेटा मार्क्स गवा के मत आना वहाँ पे। और एक बात और बता दूँ, फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं, अगर तुम गलत भी करके आ रहे हो और फॉर्मेट बना के आ रहे हो तो दो चार नंबर तुमको मिलेंगे दया के, तो वो दो चार नंबर से अपन पास फेल हो जाते हैं, इसलिए जितनी दया मिले बटोर लो। चलो भाई, टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप, बस हो गया समय खत्म। हाँ भाई आया आंसर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखे हो। सबसे पहले क्या चेक करना होता है, होल्ड ऑन सब्सिडरी की फुल्ली ऑन, मैं वही बोला था, मतलब दोनों एक ही बात हो गई। 4 लाख है और ये इसके पास कितने शेयर्स हैं, 32,000, यानी कितने परसेंट होल्डिंग है, 80%। कितने परसेंट होल्डिंग है, 80%। तो पहले तो गुडविल कैपिटल रिजर्व। अच्छा मुझे बताओ, ये 4 लाख पूरी खरीदी कि 80% खरीदा है? 80%। 4 लाख का 80% कितना होता है, 3,20,000। 2 लाख का 80% कितना होता है, 1,60,000। और 1 लाख का 80% कितना होता है, 80,000। इतना कैंसिल होगा, बोलो हाँ या नहीं। अच्छा ये सबको प्लस करो कितना आता है, 5,60,000। कितने पैसे दिए हैं ये बताओ यहाँ पे, 6 लाख। तो गुडविल कैपिटल रिजर्व क्या आएगा, गुडविल कैपिटल रिजर्व गुडविल कितने की आएगी, 40 की। बात समझ में आ रही है, बाकी कितना बचा, 20-20%। कितना कितना आएगा 20-20% बताओ मेरे को, ये 80% है तो 20%, ये कितना आ जाएगा, 80,000। ये कितना हो जाएगा, 40,000। और ये कितना हो जाएगा, 20,000। 80 + 40 + 20 कितना होगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। याद आया, जो बचा हुआ हिस्सा था वो सब क्या था, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब मैं कंसोलिडेटेड बना रहा हूँ, देखना यहाँ पे होल्डिंग और सब्सिडरी, कैपिटल को जोड़ो, किसको जोड़ो, कैपिटल को। 5 लाख की 5 लाख रही, कुछ और जुड़ेगा नहीं, तो यहाँ लिख लो कैपिटल। अब होल्डिंग सब्सिडरी क्यों, कंसोलिडेटेड में तो एक ही आता है ना। कैपिटल कितनी रहेगी, 5 लाख हो मेरे साथ। इसके अलावा क्या आएगा मुझे बताओ, कैपिटल के अलावा जनरल रिजर्व, और ये तो मैं अभी हेडिंग्स नहीं डाल रहा हूँ, इनकी तो सेम ही रहेगी जनरल रिजर्व वगैरह, क्या 3 लाख और 1 लाख, 3 लाख और 1 लाख। बाकी
ये एलिमिनेट हो गया है, जो बचा है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। फिर क्या आएगा, नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी क्या आएगा बताओ मुझे। नॉन करेंट लाइबिलिटी में 5 लाख और 4 लाख कितना आ जाएगा, 9 लाख, और साथ में क्या आ जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या आ जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कितना निकाला आपने माइनॉरिटी इंटरेस्ट पर टैक्स बताओ, 1,40,000। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 1,40,000, नॉन करेंट लाइबिलिटी के बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट। हो कि नहीं हो मेरे साथ, फटाफट बोलो, पक्का। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, करेंट लाइबिलिटी। क्या आ जाएगा, करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी, 2 लाख, और 1 लाख कितनी हो जाएगी, 3 लाख। टोटल मारो कितना आएगा, 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9, 9 2 18, 19 20 21 22 लाख 40 हजार। ठीक है क्या, असेट्स में डालो, क्या क्या डालोगे, नॉन करेंट असेट्स, क्या क्या डालोगे, नॉन करेंट असेट्स, बताओ भाई बच्चों कितना आएगा, 7 5 12 हो जिंदगी में, 7 5 12, और फिर कितना हो जाएगा, 7 और 3, 7 और 3 10। हाँ कौन सा, हाँ सब तो पूरे पूरे लेंगे ना, सिर्फ हमने कैपिटल में करते हैं ना बेटा, बाकी सब तो एज इट इज ऐड होता है। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10। ये तो पूरे ही ऐड हुआ था, 7 और 5 कितना था, 12। 6 लाख पूरा गायब हो जाएगा, 6 लाख पूरा गायब हो जाएगा, सिर्फ एक चीज आ जाएगी, गुडविल। क्या आ जाएगी, गुडविल। कितनी गुडविल आई थी बताओ मुझे, कितनी गुडविल आई थी, 40,000। टोटल करो कितना आ रहा है, 22,40,000। कितनों को समझ में आ गया, हाथ उठाओ। मॉरल ऑफ दी स्टोरी सुनो, ओए सुनो सुनो सुनो, क्या करना है, आपने इन्वेस्टमेंट से क्या खरीदी है, कैपिटल और रिजर्व। क्या खरीदी है, कैपिटल और रिजर्व। बाकी सारी चीजें क्या होंगी, एज इट इज ऐड। बाकी सारी चीजें क्या होंगी, एज इट इज ऐड। क्या बात समझ में आ रही है, जितना परसेंट खरीदा है उतना परसेंट कैपिटल और रिजर्व में आपका, उतना परसेंट कैपिटल रिजर्व में आपका, बाकी किसका, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। जैसे आपने यहाँ पे 80% खरीदा, कितना खरीदा था, 80%, तो आपका पूरे में अधिकार है कि 80% पे। भैया जितनी जमीन खरीदोगे उतने पे अधिकार होगा ना, 80% पे आपका क्या है, अधिकार है। 80% पे आपका क्या है, अधिकार है। तो बाकी का 20% कहाँ जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। और 80% की कॉस्ट को, 80% जो पैसा दिया उससे कैलकुलेट करोगे कि गुडविल आया है या कैपिटल रिजर्व। क्या बात समझ में आ रही है, हमने सब चीज को जोड़ा, हमने सब चीज को जोड़ा, कैपिटल के लिए 80% लिया, उससे गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकाली, और 20% को कहाँ पे डाल दिया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। 20% को कहाँ पे डाल दिया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। कितने लोग हैं मेरे साथ, पक्का समझ में आया। मुझे एक नया कॉन्सेप्ट सिखाना है, पर उसके लिए ये कॉन्सेप्ट तगड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है क्या, सही किया था, वेरी गुड। और किसी ने सही किया था, माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखा था पूरा, सेम अमाउंट टैली हुआ था, 22 40, गुड। अगर सेम किया था तो वेरी 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 गुड। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ताकि थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाए, ताकि फिर मैं तुमको दूसरे कॉन्सेप्ट में लेके जा पाऊँ, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, करो फटाक से। बेटा समझ में आ रहा है अभी तक क्या चल रहा है, होल्डिंग एंड सब्सिडरी, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के अंदर शेयर कैपिटल 15 लाख और 12 लाख, शेयर्स ऑफ 10 each, कैलसी मिल जाएगा मेरे को, 15 लाख 12 लाख शेयर्स ऑफ 10 each, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व 7 लाख 5 लाख, क्या ये 15 12 है, PNL 5 लाख, 5 लाख, नॉन करेंट लाइबिलिटी 10 लाख, 8 लाख, करेंट लाइबिलिटी 2 लाख, 2 लाख। टोटल मारो फटाक से कितना आएगा बताओ, 15 5 20 2 22 5 27 29 और 39 लाख, यही है क्या, 12 5 12 और 10 22 30 32 लाख, ठीक है, 39 एंड 32।
नॉन करेंट असेट। बारह लाख, 10 लाख। एक काम करते हैं, बढ़ाते हैं, 20 लाख और 18 लाख। यहाँ लिख देता हूँ इन्वेस्टमेंट कितने, 72,000 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। ठीक है, चौदह लाख करंट असेट्स, 5 लाख। समझ गए? हाँ, 5 और 14, और इन्वेस्टमेंट है 72,000 शेयर्स। हाँ, 72,000 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। करो फटाक से।
भैया टाइम अप, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या आया क्या नहीं आया, फटाफट फट बताओ मुझे, कितना परसेंट परचेज किया है उसने? 60%। हाँ क्यों 70% से निकाल रही, कितने शेयर्स है उसके पास? 12 लाख डिवाइड बाई 10 यानी 1,20,000, 1,20,000 का 60% कितना हो जाएगा? 72,000 शेयर्स है। हाँ, सब आता है ना माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। हाँ क्या हो गया गुरनानी जी, क्यों जूझ रही हो जीवन में क्यों? देखो मैं बताऊं माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, यहाँ देखो वेरी इजी। देखो पता क्या किया करो, ऐसे बाजू में टेबल बना लिया, अभी तो बेटा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट नहीं आया, तुम लोग इसी में जूझ रहे हो। देखो यहाँ पे अपन ने कितना खरीदा, 60%, ये पता है, तो होल्डिंग का शेयर और माइनॉरिटी इंटरेस्ट मैं बाजू में लिखता जा रहा हूँ, राइट, होल्डिंग का शेयर और माइनॉरिटी, कितना खरीदा है? 60%, तो 12 लाख का 60% कितना होता है? 7,20,000। किसका? होल्डिंग का। तो 12 लाख का 40% कितना हो जाएगा? 4,80,000। किसका हो गया? माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। 5 लाख का 60% कितना हो जाएगा? 3 लाख। और 40% कितना हो जाएगा? 2 लाख। फिर से 5 लाख का 60% कितना हो जाएगा? 3 लाख। और ये कितना हो जाएगा? 2 लाख। मिला के कितना हो जाएगा? 8,80,000। कहाँ चला जाएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, हो मेरे साथ। और यहाँ पे क्या जाएगा? 7 + 3 10, और + 3 13, 13,20,000 की चीजें मिली हैं, 13,20,000 की चीजें मिली हैं। कितनी पेमेंट करी? 13 लाख आ रहा है ना? बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो श्रेयांश? 13,20,000 पेमेंट कितने करी है? 14 लाख। पेमेंट कितनी करी है? 14 लाख। गुडविल या कैपिटल रिजर्व? गुडविल या कैपिटल रिजर्व? गुडविल। कितने की गुडविल मुझे बताओ? 80,000। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल, आपने क्या किया, 12 लाख का 60% आपके पास है, 40% माइनॉरिटी के पास है, फिर 60%, 5 लाख का 60% आपके पास है, 40% माइनॉरिटी के पास है, फिर 5 लाख का 60% आपके पास है, 40% माइनॉरिटी के पास है, सब मिला के कितना आ गया? सब मिला के कितना आ गया? 7,20 + 10 + 3, 7,20 + 10, 3 + 3, तो कितना आ गया? 13,20,000। कितना आ गया? 13,20,000। 13,20 में आपने पेमेंट कितनी करी है? 14 लाख की। तो बाकी आपका क्या बचा है? 80,000 क्या आ जाएगा गुडविल में। अब जोड़ोगे तो क्या करोगे? कंसोलिडेटेड बनाओगे तो कैसे बनाओगे? जल्दी बोलो। अरे यार डेड बॉडीज यार, जल्दी बोलो, क्या क्या बनाओगे बताओ? 15 लाख एज इट इज रहेगा, 7 लाख एज इट इज रहेगा, 5 लाख एज इट इज रहेगा। रिजर्व्स वगैरह ऐड नहीं होते? रिजर्व्स वगैरह ऐड नहीं होते। क्यों नहीं होते? कैंसिल होंगे वो सब, क्या होंगे? कैंसिल होंगे, या तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएंगे या तो गुडविल कैपिटल रिजर्व बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो जनरल रिजर्व 7 लाख और 5 लाख, फिर नॉन करेंट लाइबिलिटी में क्या जाओगे? 10 और 8 18, 10 और 8 18, और साथ में क्या लिखोगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कितना है अपना माइनॉरिटी इंटरेस्ट बताओ? 8,80,000। करेंट लाइबिलिटीज को प्लस कर दोगे, 2 लाख 2 लाख मिला कितने कर लोगे? 4 लाख। असेट साइड से इन्वेस्टमेंट को हटा दोगे, गुडविल को लिख दोगे, और बाकी सबको एज इट इज टोटल मार दोगे। बेटा देखो कितने शेयर्स हैं इसके, एस की होल्डिंग कितनी है? 12 लाख। एक शेयर कितने का है? 10 का। यानी कितने नंबर ऑफ शेयर्स हुए? 12 लाख डिवाइड बाय 10 कितने हुए? 1,20,000 शेयर्स। और इसने खरीदे कितने हैं? नीचे दिया तुमको क्वेश्चन में, उसने खरीदे कितने हैं उसके शेयर्स? 72,000। 1,20,000 में से कितने शेयर्स खरीदे हैं? 72,000। तो 72,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 इंटू 100, 60%। क्या नहीं आया बेटा मैच? क्यों नहीं आएगा? गुडविल लिखा, गुडविल कितनी लिखी? 80,000। करो बाकी लोग करो, बताओ कितने से टैली हो रहा है। तुम्हारा कितना आ रहा है बोलो बेटी?
कितना आ रहा है? चलो मैं करके दिखाऊं, जल्दी करो, रुका हूं। चलो हो गया, डन हो गया, थोड़ा सा जल्दी करो। नया कॉन्सेप्ट नहीं दूं अभी, एक क्वेश्चन और दूं, पक्का? फिर मेरे को रोना नहीं, छुट्टी करो, छुट्टी करो, मैं नया कॉन्सेप्ट पढ़ाए बिना घर नहीं भेजूंगा। चलो मैं टोटल करके, ये तेरा आ गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट 8,80,000। तो तूने, चलो चेक करवा लो एक बार, कैपिटल में कितना लिखे हो? 15 लाख। रिजर्व्स में क्या आएगा? जनरल रिजर्व 7, पीएनएल 5, 7, 5, 12, ठीक है, आस्था। नॉन करेंट लाइबिलिटी में कितना आएगा? 10 और 8, 18। 10 और 8, 18 प्लस, और आ जाएगा अलग से माइनॉरिटी इंटरेस्ट 8,80,000, ठीक है। और करेंट लाइबिलिटी मिला के 2 और 2 कितनी हो जाएगी? 4 लाख। तो क्या क्या फिगर आए? 15 लाख प्लस 7 लाख प्लस 5 लाख प्लस 8,80,000 प्लस 18 लाख प्लस 4 लाख, टोटल बताओ कितना आ रहा है? टोटल कितना आ रहा है? लाइबिलिटी साइड का तेरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट 8,80,000 तो बोल रहा हूं मैं, 13,20,000 तो होल्डिंग का शेयर है ना बेटा, 13,20,000 तो 60% है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 40% है, 13, 20 माइनस 14, 80,000 वो आया, क्या खाती पीती है। चलो नॉन करेंट असेट्स कितना हो जाएगा? 20 प्लस 18 मिला के हो जाएगा 38, 14 और 5 मिला के हो जाएगा 19, और इन्वेस्टमेंट हो जाएगी गायब। क्या बात समझ में आ रही है? सिर्फ गुडविल आ जाएगा तुम्हारा 80,000, एंड योर बैलेंस शीट विल टैली। समझे कि नहीं समझे बेटा? ये एकदम बेसिक है, इसमें अभी हमने एक भी एडजस्टमेंट ऐड नहीं किए हैं। क्या बात समझ में आ रही है? अभी इसमें 2-3 प्रकार के एडजस्टमेंट आपको पढ़ने हैं, लेकिन अगर ये कर लोगे ना तो एकदम स्कोरिंग हो जाएगा आपके लिए। क्या बात समझ में आ रही? सुनो ना, कोई कठिन है क्या? कुछ बहुत सिंपल है, अगर फंडा समझ लिए तो बहुत सिंपल है, और अगर फंडा नहीं समझे तो तिकड़म ही हो जाता है काम। क्या बात समझ में आ रही है? आओ एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और दूं कि नया कौन से बताऊं?
एक क्वेश्चन और दूं, चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा जल्दी करना, टाइम बहुत ले रहे हो तुम लोग। होल्डिंग सब्सिडरी कैलसी प्लीज। शेयर कैपिटल 40 लाख 20 लाख। या एक सेकेंड, थोड़ा सा चेंज करूँ क्वेश्चन। बीस लाख को कर दो 17 लाख। 17 लाख ये 1.5 लाख शेयर्स ही हैं। हाँ 1,50,000 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड है। ठीक है हो गया नोट क्वेश्चन। बेटा अपना अपना करो, कर लेने एक बार। हे राम तेरी माया, कहीं धूप तो कहीं छाया, ये ले बेटा। अभी ठीक है, लेकिन इसकी फोटो खींच लो, क्योंकि ये मैं इतनी देर से इसको वो नहीं कर सकता ना। डन नॉट डन,
टाइम अप टाइम अप। हाँ बेटा, मुझे क्या पता, मैं तो बस फिगर लिखते जाता हूँ, आखिरी में करूँगा तो आंसर पता चलेंगे। कितने परसेंट होल्डिंग है? मैं करूँ? यस आस्था। यहाँ पे हो, देखो बाजू में बनाया करो होल्डिंग, और यहाँ पे बनाया करो माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बेटा प्लीज यहाँ देख लो, रुकू, चलो 5 मिनट और रुको, 2 बजा दी हो तुम लोग, 1 घंटे में कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है। क्यों डिफरेंस आ रहा है? देखा पिटेगी तो, कहाँ है, कहाँ किया तुमने, कौन सी बैलेंस शीट है ये? दो दो फिगर कैसे हैं तेरे आंसर में? ना लायक, कितना है? 20 लाख का 75। सबसे पहले क्या किया करो, गुडविल। क्या ये क्या है? क्यों 30 20 50 और 7 और 11 18 और गुडविल आएगी? अबे इससे थोड़ी मैं कैलकुलेट करते भगली, 17 लाख दिया है और इन्वेस्टमेंट तो ये कैलकुलेट करेगी ना कितना परसेंट है, क्या करती है? हाँ बेटा, चालीस लाख, 5 4 9, 5 4 9, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आया है? 6 लाख 25 हज़ार। और गुडविल कैपिटल रिजर्व निकाली है? गुडविल कैपिटल रिजर्व कौन निकालेगा? पेमेंट कितनी करी है? 17 लाख है ना, और चीज़ें खरीदी कितने की है? यहाँ से निकालना 60% जो करी है वो, ये 18 लाख 75 थाउजेंड, और पेमेंट कितनी करी है? 17 लाख। तो कैपिटल रिजर्व में जाए कितना आ जाएगा? 1 लाख 75 थाउजेंड। कहाँ आ जाएगा कैपिटल रिजर्व में? कहाँ कैपिटल रिजर्व में? भाई तुम लोग इतने बेसिक में फंसे हो ना, और तुम पिटोगी आज फिर मोबाइल में कैलकुलेटर चला रही हो तुम, भी गिर जाओ कहीं। दिखाओ क्या किया। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आया? 6 25। ये क्या है? 3 75। कैपिटल कैपिटल रिजर्व कितना आया है? 3 लाख 75 थाउजेंड। कैसे लिखा तुमने? चलो मैं करा रहा हूँ, टाइम अप यहाँ छोड़ दो, यहाँ देख लो सब लोग, जिसका हो गया वो भी, जिसका नहीं हुआ वो भी, सब यहाँ, कोई नहीं लिखेगा। बहुत टाइम दिया मैंने आपको, अब मुझे लग रहा है तुम लोग इसी में जूझ रहे हो, मैं आगे क्या पढ़ाऊँ तुम लोग को। कैपिटल चाल, ये कितना लिया है? 20 लाख का कितना परसेंट खरीदा है? 60%। ए 75%। कितने परसेंट खरीदा है? 75%। 20 लाख का 75% निकालो कितना आएगा? 15 लाख इसका, 5 लाख इसका, 3 और 2 5 लाख है, 5 लाख का 75% कितना होगा? 2 लाख 25 हज़ार इनका, बाकी कितना इनका? ठीक है पक्का? फिर क्या होगा? एक सेकेंड, 15 और 2 25 ये ले लिया ना अपन ने, बस किसका? मैं, अच्छा 3 लाख, मैं 3 और 2 5 लाख का पूछा था इसलिए। चलो 2 लाख का 75% कितना आएगा बताओ? 1 लाख 50, और 2 लाख का 25%, 50 हज़ार। यही है, प्लस करो 18 लाख 75 थाउजेंड, ये कितना आ जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का टोटल? छः लाख 25 हज़ार। कोई डाउट है? पक्का? अब यहाँ आ जाओ, नॉन करेंट लाइबिलिटी में कितना आ जाएगा मुझे बताओ? ये तो, अच्छा ये तो ठीक है, अपन ने पेमेंट कितनी करी है ये बताओ? 17 लाख।
हमेशा याद रखना कैपिटल, गुडविल कैपिटल रिजर्व इससे निकलता है। 18,75,000 में से 17 लाख की पेमेंट करी है, फायदा हुआ है कि नुकसान? फायदा कितना हुआ है? 1,75,000। ये क्या हो गया तुम्हारा? कैपिटल रिजर्व। ये क्या हो गया तुम्हारा? कैपिटल रिजर्व। बस अब सबको जोड़ दो, 40 लाख आ जाएगा कैपिटल में, रिजर्व इन सरप्लस में 5,449 रहेगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कितना जाएगा? 6,25। कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 1,75। बाकी सबको जोड़ दो, नॉन करेंट लाइबिलिटी 6, करेंट लाइबिलिटी 9, नॉन करेंट असेट्स 50, और ये 11 और 10 मिला कितने हो जाएंगे? 21। इन्वेस्टमेंट कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं आया? कहाँ गलती कर रही हो, कहाँ परेशान हो? देखो लॉजिक पकड़ोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। एक बार सबके लिए फिर से शुरू से लॉजिक बोल रहा हूँ, मुंडू निजर को स्ट्रेट बैठो। भैया मैंने किसी कंपनी का 60% खरीदा है तो मेरा अधिकार उसमें कितना होगा? 60% की पूरा 60%, तो बाकी 40% किसका होगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। यहां तक ठीक है? अच्छा मैं पैसे देता हूं तो मैं क्या खरीदता हूँ? शेयर कैपिटल और रिजर्व्स। क्या खरीदता हूँ? शेयर कैपिटल और रिजर्व्स। तो ऑब्वियस सी बात है माइनॉरिटी इंटरेस्ट का भी क्या होता होगा? शेयर कैपिटल और रिजर्व्स। तो शॉर्टकट तरीका अगर तुमको बताऊं, सिर्फ कैलकुलेट करना हो, अगर शेयर कैपिटल कितनी है 20, रिजर्व कितने हैं 5, मिला कितना है 25, मिला कितना है 20 और 5 कितना है 25, सुन रहे हो का? 20 और 5 मिला कितना है 25, 25 का 75% मेरा और 25% किसका? माइनॉरिटी का। अरे सुन रहे हो, 25 लाख का 75% निकालो कितना आएगा? हाँ 18,75,000। ये किसका बेटा? मेरा। और 25% किसका? माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। 25% किसका? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया 625, जितना है सीधे सीधे कहां चले जाएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। हाँ या ना, फटाफट बोलो। अच्छा गुडविल या कैपिटल रिजर्व 1875 में जितने की पेमेंट करी है, 1875 की चीज ली है, पेमेंट कितनी करी है? 17 लाख। तो कम पैसे दिए तो हमारा फायदा हुआ है कितने का? 1,75,000 का। ये कहाँ चला गया? कैपिटल रिजर्व में। इनको छोड़ के, कैपिटल रिजर्व और इन्वेस्टमेंट को छोड़ के, कैपिटल रिजर्व और इन्वेस्टमेंट को छोड़ के बाकी चीजें क्या हो जाएंगी? एज इट इज प्लस। बाकी चीजें क्या हो जाएगी? एज इट इज प्लस। बात समझ में आ रही है? तो कैपिटल में से होल्डिंग के फिगर आएंगे 4, 5 और 4। बात समझ में आ रही है? बाकी माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएगा 6,25, कैपिटल रिजर्व में आएगा 1,75, बाकी ये 3 + 2 = 5 और 5 + 4 = 9। ये तुम्हारा टोटल आ जाएगा काय का? लाइबिलिटी साइड का। काय का आ जाएगा? लाइबिलिटी साइड का। असेट साइड का टोटल कर लो, इन्वेस्टमेंट को हटा दो, या तो गुडविल आएगा या तो कैपिटल रिजर्व। हाँ पांच और, हाँ जो नॉन करेंट है वो जुड़ जाएंगे ना, एज इट इज जितने भी थे, कितने थे नॉन करेंट? हाँ 71। कौन सा फिगर बोल रही हो? 71 लाख का टोटल, मतलब बैलेंस शीट टोटल 71 लाख से। यार वो भी 71 लाख आएगा ना तभी तो। कौन सा, क्या बोल लो? तो उसको चेंज तो किया था ना मैंने, अभी चेंज किया है मैंने। चुप है, पगले हो क्या? अभी मैंने कुछ किया ही नहीं। मैंने मैंने उसी समय इसको बोला था ये 17 है तो ये 10 हो जाएगा, उसी समय किया था, अभी नहीं किया मैंने। चलो ठीक है, मेरी गलती, मेरी गलती। ठीक है यहाँ तक समझ गए? हाँ यहाँ तक समझ में आया सबको? पक्का? आपको कुल मिला, अबे इतना कठिन है नहीं जितना तुम लोगों ने इतना हिसाब, इतना बसड़ मचा दी इसकी। सारा सा टॉपिक था कैपिटल को जोड़ना है, के बाद सन में आ रही है, बस कितना परसेंट खरीदा है उतने को जोड़ो, 40% को वहां कहाँ डाल दो? माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। कहाँ डाल दो? माइनॉरिटी। जितना खरीदा है, ज्यादा पैसे दिए तो गुडविल, कम मिला है तो कैपिटल रिजर्व, टोटल करके बैलेंस शीट का टोटल कर दो। हाँ या ना, फटाफट बोलो। पक्का? प्री इनकॉर्पोरेशन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे? तो क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। क्या बात समझ में आ रही है? एक काम करो, 2 मिनट का ब्रेक ले लो सब लोग, उसके बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है? क्या 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, उसके बाद में तुमको ये कराऊंगा। जिसको चाहिए अगर